गुड इवनिंग एवरीबॉडी. आज हम करेंगे जनरल फीचर्स टू बी नोटिस्ड इन द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ ब्रेन. एक्चुअल डिटेल में जाने से पहले एक बार कुछ पॉइंट्स जो हैं विच शुड बी कैप्ट इन माइंड कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ने से पहले, वो इसमें हम देखेंगे. जो ब्रेन है उसका डेवलपमेंट जो है मोड ऑफ लाइफ से डायरेक्टली रिलेटेड है. यानी कि एनिमल जिस हैबिटेट में रहता है और उस हैबिटेट में जिस सेंस को ज़्यादा यूज़ करता है, वो सेंस जो है ब्रेन के उस पार्ट में ज़्यादा डेवलप्ड होती है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल फिश है. फिश कहाँ रहती है, कौन क्या हैबिटेट उसका, एक्वाटिक हैबिटेट है ना. तो वाटर में फिश को रहते हुए कौन सी सेंस पे ज़्यादा डेवलप डिपेंड करना पड़ता है, स्मेल पर, फॉर सर्चिंग द फूड. एज अ रिजल्ट ऑफ विच फिश के जो ऑल्फैक्ट्री लोब्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं. अनदर एग्जांपल इज बर्ड्स. बर्ड्स क्या है, वेयर डू दे मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फाउंड इन एयर, राइट. एयर में रहते हुए दे यूज़ मैक्सिमली आईज फॉर द सर्च ऑफ फूड. एज अ रिजल्ट ऑफ विच बर्ड्स के जो ऑप्टिक लोब्स हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड हैं. यानी कि जो सेंस ऑर्गन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो पार्ट ऑफ ब्रेन जो है करस्पॉन्डिंगली ज़्यादा डेवलप्ड होता है. इसके अलावा इफ़ यू सी देर आर यू नो सर्टेन जनरल कैरेक्टर्स जो कि हम कंपैरेटिव अकाउंट में नोट करेंगे, जो कि तुम्हें दिमाग में रखने हैं. सबसे पहले जैसे कि तुम्हें पता है यहाँ पर जो है देर आर टू ऑल्फैक्ट्री लोब्स, और ऑल्फैक्ट्री लोब्स के जस्ट नीचे क्या है, देर आर टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स. ठीक है ना, ये ऑल्फैक्ट्री लोब है जो कि प्रोसेंसेफेलॉन का पार्ट है, और ये है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, राइट. अब क्या है कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर जैसे जैसे जो है एनिमल डेवलप करता है, वैसे वैसे सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्ट जो है ब्रेन का और ब्रेन के पार्ट से ज़्यादा डेवलप होता है. ठीक है, तो ये जो है इसका डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ज़्यादा होता है. दूसरा पॉइंट इफ़ यू सी, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि अगर सेक्शन ले हम ब्रेन का, तो सेंटर में क्या है, सपोज ये वेंट्रिकल है, ठीक है ना, जो कैविटीज हैं उनको वेंट्रिकल बोलते हैं. तो लोअर एनिमल्स में क्या है कि जस्ट वेंट्रिकल के यहाँ पे रूफ पर देर इज़ अ पार्ट ऑफ द यू नो न्यूरल मैटर जिसको हम कहते हैं ग्रे मैटर, ये जो रूफ पार्ट है, ठीक है ना, ये वेंट्रिकल है. तो ये जो ग्रे मैटर है, और जैसे जैसे एनिमल डेवलप करता है ये ग्रे मैटर इस तरह पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर जाता है. ठीक है, जब ये पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट करेगा, सो व्हाट विल हैपन इज सपोज ये है, तो ये जो ग्रे मैटर इस तरह पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट कर गया, तो क्या हो गया कि जो पेरीफेरल एरिया है उसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स. और ये जो बीच वाला वाइट एरिया है जो वाइट मैटर का बना हुआ, इसे कहते हैं सेरेब्रल मेड्यूला. ठीक है, तो जब ग्रे मैटर रूफ की तरफ रूफ से पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट करता है, ये जो है यू कैन से ये जो शिफ्टिंग है ये हायर एनिमल्स में होती है, फ्रॉम लोअर टू हायर. और जैसे जैसे ये थिकनिंग होती रहती है इस किसकी, इसकी ग्रे मैटर की, कॉर्टेक्स में जैसे जैसे थिकनिंग होती है वैसे वैसे वो इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है. यानी कि ज़्यादा थिकनिंग का मतलब क्या है, ज़्यादा इंटेलिजेंस, करेक्ट. दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ यू नो ब्रेन डेवलपमेंट. थर्ड पॉइंट विच इज़ टू बी नोटिस्ड इज, देखो ये क्या है, दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है इफ़ यू सी जैसे जैसे एनिमल डेवलप करता है, तो वेंट्रली, जैसे अगर ये दो लोब्स हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, वेंट्रली दे आर जॉइंट टुगेदर बाय कमिश्चर्स. ठीक है, सो इफ यू सी, और जो है ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर अगर कमिश्चर से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स इनमें ज़्यादा बेटर कोऑर्डिनेशन होगा दोनों हेमिस्फीयर में, करेक्ट. सो अनदर पार्ट इज डेवलपमेंट ऑफ कमिश्चर्स बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ टू बी कैप्ट इन माइंड इज द सरफेस एरिया. अगर ये अगर मैं इसका सेक्शन लेती हूँ सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, जो सरफेस एरिया है वो
सेरेब्रल हेमिस्फीयर का बढ़ता है जैसे जैसे एनिमल जो है डेवलप करता है, और उससे जो है बहुत सारे सल्कस एंड गायरी डिप्रेशन और एलिवेशंस दिखते हैं, सो दैट दे कैन एडजस्ट द न्यूरोनल मैटर. सो अनदर पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर इंक्रीजेस. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इफ यू सी विच इज टू बी नोटिस्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ब्रेन इज जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है. अभी हमने बताया डेवलप कई बार, पर लोअर एनिमल्स में भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, पर वो इसीलिए बड़ा दिखता है जो वेंट्रली जो है कॉर्पोरा स्ट्राइटा प्रेजेंट होता है लोअर एनिमल्स में, और ये कॉर्पोरा स्ट्राइटा के साइज की वजह से जो है सेरेब्रल हेमिस्फीयर बड़ा दिखता है, ना कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर की वजह से. ठीक है, कॉर्पोरा स्ट्राइटा जो है ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसकी ये जो है ज़्यादा डेवलप्ड होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सेरेब्रल हेमिस्फीयर लुक्स बिगर इन लोअर एनिमल्स. राइट, नेक्स्ट पॉइंट विच यू सी दैट ऑल्फैक्ट्री लोब्स, जैसे जैसे एनिमल डेवलप करता है ऑल्फैक्ट्री लोब जो है रिड्यूस होते जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नाउ वी कम टू सेरिबेलम. सेरिबेलम जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और इफ यू सी इफ आई ड्रॉ ओवर हेयर और रादर आई ड्रॉ हेयर, जैसे ये तो इफ यू दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज डायन्सेफेलॉन, राइट, दीज आर टू ऑप्टिक लोब्स, एंड हेयर देर इज सेरिबेलम एंड दिस इज मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा. तो सेरिबेलम जो है इफ यू सी इट इज बेटर डेवलप्ड, इट इज मोर डेवलप्ड इन हायर एनिमल्स, दिस पर्टिकुलर पार्ट, करेक्ट. अनदर पार्ट इज जो हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, मैनेंजस. मैनेंजस क्या है, ब्रेन में जो मेम्ब्रेन्स हैं उनको मैनेंजस बोलते हैं. तो जैसे जैसे एनिमल जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, उनमें केवल एक ही मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको हमने ये भी नाम दिया था मैनिंग्स प्रिमिटिवा. और जैसे जैसे एनिमल डेवलप करता है ये जो है थ्री लेयर्ड मैनेंजेस में चेंज हो जाता, करेक्ट. सो दीज आर द जनरल कैरेक्टर्स विच इज़ टू बी नोटिस, जो हम फर्दर अब अलग अलग क्लासेस में देखेंगे. This is all for today. Thank you very much.